फलों को खोल जमाना उड़ान देखता है कि फलों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठकर क्या आसमान देखता है। नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुशवाहा, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफिस सर्च क्लाउड। माय डियर फ्रेंड्स, आज का जो सेशन वो बेसिकली सिलेबस ऑफ अपेंडिक्स 2A पर बेस्ड है। यस माय डियर फ्रेंड्स, न्यू सिलेबस जो अपेंडिक्स 2A के, उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या पढ़ना है, क्या स्किप करना है, किस प्रकार से आप अपेंडिक्स 2A के एग्जाम में क्वालिफाई करिएगा और कैसे आप अपने जॉब को, यानी यदि आपका सिलेक्शन JAA यानी जूनियर अकाउंट असिस्टेंट के रूप में हुआ है, तो आप अपने कैरियर को किस प्रकार से सेफ एंड सिक्योर बना कर रखें। तो डियर फ्रेंड्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो जस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज इस चैनल पर आपको हर अपडेटेड से अपडेट किया जाता है। तो माय डियर फ्रेंड, डोंट किल द टाइम एंड लेट्स बिगिन। डियर फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन एंड हियर इज सिलेबस फॉर अपेंडिक्स 2A। टॉपिक है कि कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ना है अपेंडिक्स 2A के एग्ज़ाम के लिए, और यहाँ है कि व्हाट टू रीड, क्या पढ़ें, क्या पढ़ना है, क्या स्किप करना है अपेंडिक्स 2A का एग्ज़ाम। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यदि आप जूनियर अकाउंट असिस्टेंट में हैं तो आपको अपेंडिक्स 2A का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना मस्ट है। यदि आप इसमें दो चांस आपको दिया जाएगा और दो चांस में यदि आप पास कर जाते हैं तब सही है, और नहीं तो फिर आपको आपका जॉब जो है वो आपके हाथ से जा भी सकता है। इसलिए अपेंडिक्स 2A का एग्ज़ाम को हल्के में नहीं लेना है। लेकिन हाँ, अपेंडिक्स 2A इतना बड़ा रॉकेट साइंस भी नहीं है जिसको कि पास नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल ईजी है, बस वीडियो में आप स्टार्ट टू एंड बने रहिए, सिलेबस को समझिए क्या हमें पढ़ना है, और कहीं पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। बस इसी प्लेटफॉर्म पर जो ऑफिसर क्लब का जो चैनल है, इसी चैनल में आपको सारा मटेरियल, सारा कंटेंट आपको उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे कि आप अपने एग्जामिनेशन में एक अच्छे मार्क्स लाकर अपेंडिक्स 2A को क्वालिफाई कर पाइएगा। तो चलते हैं स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो टॉपिक है वो है एक्सपेंडिचर का। एक्सपेंडिचर में आपको क्या क्या पढ़ना है, कॉन्ट्रैक्ट, टेंडर, अर्जेंसी सर्टिफिकेट, इंस्पेक्शन, एस्टिमेट, सर्वे, RAR यानी रेवेन्यू एलोकेशन रजिस्टर, इम्प्रेस्ड कैश जिसको बोलता है, उसके बाद वर्क रजिस्टर, बजटरी कंट्रोल, डिपॉजिट वर्क, एक्सचेकर कंट्रोल और कंपल्सन रिपोर्ट। इतने सारे जो भी टॉपिक आप देख रहे हैं ये आपको एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आपको पढ़ना है। दूसरा जो टॉपिक है वो है कैश एंड पे। कैश एंड पे में आपको क्या पढ़ना है, तो फंक्शन यानी कैश एंड पे किस प्रकार से काम करता है, और इसका रेमिटेंस, इसकी जो अदायगी होती है रोकड़ का और जो भुगतान होता है वो किस तरह से होता है। बेसिकली आपको कैश एंड पे में यही सब चीज़ समझना है और पढ़ना है। तीसरा सेक्शन है फाइनेंस, जो कि बहुत ही वाइटल सेक्शन है। फाइनेंस जिस प्रकार से एक्सपेंडिचर कर सकते हैं, फाइनेंस कर सकते हैं, ये सब एकदम वाइटल टॉपिक है अपेंडिक्स 2A के रिगार्डिंग। तो फाइनेंस के अंडर आपको पढ़ना है वर्कचर्ज पोस्ट, उसके बाद टेम्प्रेरी पोस्ट, परमानेंट पोस्ट, जस्टिफिकेशन, प्रोडक्टिविटी टेस्ट, ये सब आपको कुछ फाइनेंस का टर्म है जो कि आपको जानना जरूरी होता है कि प्रोडक्टिविटी टेस्ट क्या होता है, वर्कचर्ज पोस्ट क्या होता है, टेम्प्रेरी पोस्ट क्या होता है, परमानेंट पोस्ट क्या होता है। उसी प्रकार से जो नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है कमर्शियल एंड गवर्नमेंट अकाउंट्स। कमर्शियल एंड गवर्नमेंट अकाउंट्स के अंतर्गत आपको पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट अकाउंट्स, यानी गवर्नमेंट अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन कितने पार्ट्स में किया गया, उनके अंदर क्या क्या पढ़ना होता है, SBF यानी स्टाफ बेनिफिट फंड, रिजर्व फंड, डिमांड्स रिकवरेबल, डिमांड्स पेवेबल, ये सारे जो टॉपिक है वो आपको कमर्शियल एंड गवर्नमेंट अकाउंट्स के अंतर्गत पढ़ना है। ठीक है, चलिए इसी कड़ी में आगे देखते हैं कि कमर्शियल एंड गवर्नमेंट अकाउंट्स में जो है सस्पेंस अकाउंट्स को आपको जानना होगा, जनरल बुक्स, अकाउंट्स करेंट, ऑब्जेक्शन बुक, उसके बाद एनुअल रिटर्न्स, ये सारे टॉपिक आपको कमर्शियल एंड गवर्नमेंट अकाउंट्स के अंतर्गत पढ़ना है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है पेंशन। पेंशन में आपको बेसिकली NPS, रिलीफ, ग्रेच्युटी, क्वालिफाइंग सर्विस, कमुटेशन, टाइप्स ऑफ पेंशन, इन सारे टॉपिक को आपको कवर करना है पेंशन के अंदर। ठीक है,
अब है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन एक टॉपिक है, तो इंस्पेक्शन के अंतर्गत आपका आ जाएगा ऑडिट इंस्पेक्शन, रिपोर्ट, PWI, IOW, ऑफिस ऑफ AEN, है ना। ये सब जितने सारे ये सब टॉपिक है वो आपको इंस्पेक्शन के अंतर्गत पढ़ना होगा। एक टॉपिक ही मिलेगा इंस्पेक्शन। और नेक्स्ट जो है वो है बजट। बजट कह लीजिए, तो चूँकि बजट के बिना तो कुछ काम चल ही नहीं सकता है, क्योंकि बजट रहेगा तभी तो रेलवे परफॉर्म कर पाएगी। तो बजट के अंतर्गत आपको बेसिकली अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के बारे में पढ़ना है, बजट कंट्रोल पढ़ना है, बजटरी रिव्यू पढ़ना है, प्रिपरेशन ऑफ बजट पढ़ना है, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स को आपको कवर करना है बजट के अंतर्गत। नेक्स्ट है आपका PF यानी प्रोविडेंट फंड। इसमें आपको कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का कैलकुलेशन किस प्रकार से करेंगे, विड्रॉल कैसे करेंगे, ट्रांसफ़र कैसे करेंगे, ये सब बेसिकली जो टर्म्स है वो आपको PF के अंतर्गत आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला जो है सेक्शन वो है आपका इस्टेब्लिशमेंट का। इस्टेब्लिशमेंट यानी सब कुछ, आपका किस प्रकार से रिक्रूटमेंट होता है, क्या प्रमोशन है यानी अपॉइंटमेंट, प्रमोशन, टेन्योर, कैडर पोस्ट, EX कैडर पोस्ट, लीव रूल्स, HRA, CCA यानी चाइल्ड केयर अलाउंस, स्केल चेक, लीएन पास एंड PTO, SBF, DNA रूल्स, LPC, लास्ट पे सर्टिफिकेट, ज्वाइनिंग टाइम, एडवांसेज, ग्रेचुटी, फी, ऑनोरेरियम, फिक्सेशन, यानी ओवरऑल आपको पढ़ना है इस्टेब्लिशमेंट के अंतर्गत ये सारे टर्म्स आ जाते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, थोड़ा इसको जूम कर लिया जाए। हाँ, इस्टेब्लिशमेंट के बाद आप कह सकते हैं कि जो आपका टॉपिक है वो है वर्कशॉप अकाउंट, उसके ट्रैफिक अकाउंट, स्टोर अकाउंट। वर्कशॉप अकाउंट के अंतर्गत आपको पढ़ना ऑन कॉस्ट यानी ऊपरी लागत, ऊपरी चार्ज क्या होता है, परफॉर्म ऑन कॉस्ट, शॉप ऑन कॉस्ट, गवर्नमेंट ऑन कॉस्ट, टाइम ऑफिस, टाइम सीट, GA कार्ड यानी गेट अटेंडेंस कार्ड, वर्कशॉप के अंतर्गत कितने बार अटेंडेंस बनाया जाता है, है ना, GA कार्ड क्या होता है, रूट कार्ड क्या होता है, किस प्रकार शॉप में आपको जो जॉब दिया जाता है उसका बुकिंग होता है, आइडियल टाइम क्या होता है वर्कशॉप के अंतर्गत, वर्कशॉप यूनिट्स, जॉब कार्ड, इंसेंटिव। इंसेंटिव एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म है इनसाइड वर्कशॉप अकाउंट की, कुछ भी काम का एक टारगेट दिया जाता है और उस टारगेट को विद इन द टाइम अचीव करने पर एम्प्लॉय लोग को इंसेंटिव दिया जाता है। तो इंसेंटिव भी कई तरह के होते हैं, एक डायरेक्ट इंसेंटिव के बारे में जानना होगा, इनडायरेक्ट इंसेंटिव क्या होता है, सिंबल क्या होता है, आउटर्न क्या होता है, टाइम बूथ क्या है, पंच कार्ड क्या है, ये सारे टर्म्स आपको वर्कशॉप अकाउंट के अंतर्गत आपको कवर करना है। नेक्स्ट जो है आपका ट्रैफिक अकाउंट। अब ट्रैफिक अकाउंट एक बहुत बड़ा फील्ड है ट्रैफिक अकाउंट का, यानी ट्रैफिक अकाउंट के अंतर्गत देखें तो फॉर्म नंबर यानी टिकट नंबर इसमें कुछ दिया जाता है, उसकी संख्या होती है, वैगन रजिस्ट्रेशन फी क्या होता है, इंटरनल चेक क्या होता है, अकाउंट करेंट AOB, अकाउंट ऑफिस बैलेंस शीट, क्रॉस ट्रैफिक क्या होता है, नन इशूड टिकट क्या होता है, स्टेशन बैलेंस शीट क्या होता है, ट्रैफिक सस्पेंस, स्टैटिकल स्टेटमेंट, DTC यानी डेली ट्रेन कम ट्रांजेक्शन बुक यानी ट्रैफिक बुक, ओवर चार्ज सेट, डैमरेज चार्जेस, बारफेज चार्जेस, ब्राउन फील्ड, ग्रीन फील्ड, असिस्टेड साइडिंग, उसके बाद ग्रॉस रिसिप्ट, कैश इन ट्रांजिट, CR नोट यानी क्रेडिट रिमिटेंस, कैश रिमिटेंस नोट या क्रेडिट रिमिटेंस नोट भी कहा जाता है, वैगन टर्न राउंड क्या है, LTTC क्या होता है, लॉन्ग टर्म टैरिफ कॉन्ट्रैक्ट, फॉयस क्या है यानी ETRR यानी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन ऑफ रेलवे रिसिप्ट, ERD, और उसके बाद ऑपरेटिंग रेशियो क्या होता है, टर्मिनल चार्जेज क्या होता है, एक्सेस फेयर टिकट क्या होता है, ये सारे टर्म्स आपको ट्रैफिक अकाउंट में पढ़ना है। माय डियर फ्रेंड्स, पैनिक नहीं होना है, ये सिर्फ मैं आपको जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि ये सारे टॉपिक, जो टॉपिक मैं बताया कि आपको ट्रैफिक अकाउंट्स पढ़ना है, वर्कशॉप अकाउंट पढ़ना है, फाइनेंस पढ़ना है, एक्सपेंडिचर पढ़ना है, PA पढ़ना है, कैश एंड पे पढ़ना है, इन सारे टॉपिक के अंतर्गत आपको ए टर्म को आपको टच करते हुए चलना है। और मैंने जैसे भी बोला कि आपको कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं, सारा चीज़ का अवेलेबल आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगा, ऑफिशियल क्लब चैनल है, बस इसमें बने रहिए। एग्ज़ाम चाहे अपेंडिक्स 2A का हो, अपेंडिक्स 3A का हो, या फिर LDC 30%, LDC 70%, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक आप इस चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। और इसका प्रमाण भी है, कई लोग LDC 30% इवन LDC 70% क्रैक कर चुके हैं
इस चैनल के माध्यम से। एनीवे बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है बुक कीपिंग। अब बुक कीपिंग के अंतर्गत सबसे जो मेन चीज़ पढ़ना होता है वो आपका होता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट यदि आप बुक कीपिंग का मतलब ही होता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट यदि आप बता देते हैं तो इसमें आपको मतलब अपेंडिक्स टू ए में 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है जो कि बैलेंस शीट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यदि आपका बैलेंस शीट बिल्कुल मैथमेटिकल कैलकुलेशन यदि आपका सही है तो आपका बैलेंस शीट में 20 का 20 मार्क्स रखा हुआ है। उसके बाद है बैंक रिकॉन्सिलेशन जर्नल लेजर DRF यानी डिप्रिसिएशन रिजर्व फंड अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। ये सारे टर्म्स आपको बुक कीपिंग के अंतर्गत टच करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्टोर अकाउंट्स। स्टोर अकाउंट्स के अंतर्गत जो टर्म है वो है स्टॉक वेरिफिकेशन, इन्वेंट्री कंट्रोल, प्राइस लेजर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, प्रोक्योरमेंट ऑफ स्टोर क्या होता है यानी स्टोर्स की खरीदगारी किस प्रकार से की जाती है, परचेज ऑर्डर क्या होता है, उसके बाद कस्टडी स्टोर क्या है, न्यूमेरिकल लेजर क्या होता है, सरप्लस स्टोर क्या होता है, स्टॉक एडजस्टमेंट अकाउंट क्या होता है, इन सारी बातों का लेखा जोखा हम लोग स्टोर अकाउंट्स के अंतर्गत करेंगे, ठीक है। उसके बाद का जो टॉपिक है वो है राजभाषा हिंदी जो कि ऑप्शनल है लेकिन आपको इसको टच करके चलना है। राजभाषा हिंदी भी आपको पढ़ना है, ठीक है। और एक लास्ट जो टर्म है वो होता है डीओ लेटर यानी डमी ऑफिशियल्स लेटर। ये भी आपका आई थिंक 10 मार्क्स का अपेंडिक्स टू ए में पूछा जाता है। हम लोग भी जब किए थे तो 10 मार्क्स का डीओ लेटर पूछा गया था। तो डीओ लेटर तो देख रहे हैं कि इस तरह से हम लोग जो टॉपिक वाइज जो हम लोग डिस्कशन किए यही आपका टॉपिक है बेसिकली। और इस टॉपिक को आप स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं आप। ये तो डिस्कशन था, आप स्क्रीनशॉट लेकर आप बिल्कुल इसको ये आप अपना नोटबुक में आप इसको नोट कर लीजिए। इसी के अकॉर्डिंगली आपको ध्यान में रखते हुए अपेंडिक्स टू ए की तैयारी करना है। ये ट्रैफिक अकाउंट्स का है ना। मैं चाहूँ तो इसको इसका हम PDF लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये कुछ बेहद इंफॉर्मेटिव डिस्कशन था जो कि अपेंडिक्स टू ए के रिगार्डिंग, अपेंडिक्स टू ए के सिलेबस के रिगार्डिंग में। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर अपेंडिक्स टू ए का जो न्यू सिलेबस है उस पर कोई वीडियो बनाइए, तो बेसिकली उसी के रिगार्डिंग में उसी को ध्यान में रखते हुए ये आज का सेशन आपके लिए बनाया गया, आपके लिए तैयार किया गया था। तो होप कि आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से मिला होगा कि अपेंडिक्स टू ए का जो न्यू सिलेबस है वो क्या है, किस प्रकार से आप दे सकते हैं कैश एंड पे, फाइनेंस, कमर्शियल एंड गवर्नमेंट अकाउंट्स, पेंशन, इंस्पेक्शन, बजट, PF, इस्टेब्लिशमेंट, यानी हर चीज़ के बारे में आपको नॉलेज आपको रखना है और तभी आप अपेंडिक्स टू ए का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाइएगा। अपेंडिक्स टू ए का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने का मतलब है आप अपनी जॉब को श्योर और सेफ कर लिए। तो होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो रियली में पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने जो आपके जो क्लिक्स हैं जो नीडी पर्सन है उन तक मेरा ये प्रयास ज़रूर पहुँचाइएगा। टिल देन बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।